सुप्रभात सभी को, नमस्कार सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर कक्षा में। आज फ्राइडे का दिन है, हमारी वीकली एफिशिएंसी क्लास होती है और आज हमारे साथ मोना जी और रीना जी दोनों फ्रंट कैमरे पे रहेंगी, डेमो रहेगा, साथ में बाकी साधिकाएँ भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और श्रीमान नरेंद्र जी राजेश जी भी जुड़ चुके हैं। तो आइए हमेशा की भांति शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, अपने हाथ पीछे रखेंगे और अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करना प्रारंभ करेंगे। इस प्रयास में घुटने नहीं उठने देंगे, लगातार चेहरे पर प्रसन्नता, ज़्यादा से ज़्यादा पंजों को सामने तानकर कुछ पल रुकना, फिर अधिक से अधिक अपनी ओर खींचकर फिर से रुकना, सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ना, लगातार रिपीट करते रहना। बहुत बढ़िया, अब एक बार दायां पंजा आगे करेंगे, बायां पंजा अपनी ओर खींचेंगे, फिर ऑपोजिट करेंगे, करते जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पुनः कोशिश करनी है कि घुटना ना उठे, करिए जी करिए। अब दोनों पांव की एड़ियों को 1 फीट खोल लीजिए और दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाइए, फिर छोटी उंगली बाहर की ओर लगाइए, इस प्रकार से करते जाइए। कोशिश सभी करेंगे, लगे ना लगे, करते जाइए करते जाइए। बहुत बढ़िया, घुटना ना उठने दें, अब आएंगे वापस। एक बार दाएं पांव की एड़ी शरीर से टच करें, एक बार बाएं पांव की एड़ी, सभी करिए, पीछे भी। बहुत बढ़िया, कोशिश जरूर करें कि शरीर से एड़ी टच हो। अब दोनों पांव से इकट्ठा करेंगे और कोशिश भी करेंगे कि घुटने ना खुलें, सभी कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, करते जाइए करते जाइए। अब आएंगे वापस, दोनों हाथों को आपस में क्लैंप करें, बैलेंस बनाएंगे और दोनों एड़ियों को 15 से 20 डिग्री उठा दें और पूरे शरीर का वजन हिप्स के ऊपर ले आएं। कोशिश कीजिए जी, पंजे सामने तान दें, करिए करिए करिए, सभी करिए। बहुत बढ़िया जी, ज्योतिका जी सभी का बड़ा अच्छा प्रयास, वेरी गुड वेरी गुड। आज स्वाति जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। अब दाएं पांव को थाई के निकट से पकड़ेंगे और साइकिल के पैडल की तरह चलाएंगे, राइट पांव को, लेफ्ट पांव को सामने की ओर बिल्कुल सीधा रखेंगे, पंजा तना हुआ, एड़ी को लुढ़काना नहीं है। कोशिश कीजिए एक बार एड़ी हिप्स के निकट आए,
करें 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 जी, अब इसी क्रिया को करेंगे रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, सभी का पंजा सामने तना हुआ है जी, बहुत बढ़िया। जो लेफ्ट पाम है उसके घुटने के नीचे गैप ना आए, आ जाएंगे वापस, थोड़ा विश्राम ले पहले। विश्राम के वक्त आंखें बंद, मन मनाएं, दूसरी ओर से स्थिति लें और प्रारंभ करें। दाया पंजा तन जाए, दाएं पांव को सामने रखें, एड़ी को खड़ा रखें। करिए जी करिए, बहुत बढ़िया, सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। समझ में ना आए जो ऑनलाइन साधक हमारे साथ जुड़े हुए हैं देख लीजिए। अब रिवर्स करेंगे, इसी पांव से रिवर्स पैडलिंग। घुटना हमारा लचीला बनेगा, घुटने का दर्द धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिमरन भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और सिमरन की मदर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। करिए जी करिए, आएंगे वापस, थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। अब एक बार दाएं हाथ से दाएं पांव के अंगूठे को पकड़िए और धीरे धीरे उठा दीजिए आकाश की ओर। बायां पांव सामने तना हुआ, बायां हाथ बाएं हथेली बाएं घुटने के ऊपर, कमर को यथासंभव सीधा, घुटना निकट से निकट आए माथे के नासिका के, घुटना ना मुड़े जी। करिए करिए करिए, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पटकेंगे नहीं और क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। छल्ला बनाना है आपने, छोटी उंगली ऊपर की ओर होगी, अंगूठा और पहली और दूसरी उंगली से आपने अंगूठे को पकड़कर ऊपर उठाएंगे, घुटने को बिल्कुल सीधा करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। स्वाति जी देखिए बिल्कुल पीछे ऑनलाइन लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्वाति जी आज कक्षा में भी आई हैं। धीरे धीरे आराम आराम से सीधा रखते हुए वापस आएंगे, फिर से थोड़ा विश्राम, सामान्य श्वास। बटरफ्लाई करेंगे, एड़ियों को निकट लेकर आइए, पंजों को ग्रिप कीजिए और पूरी मस्ती के साथ दोनों घुटने ऊपर नीचे करेंगे करेंगे। सभी कीजिए, कमर को सीधा रखिए जी, सभी कोशिश करिए कमर और गर्दन सीधी हो। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थाई की मांसपेशियों को बंद आंखों में प्रभावित होते हुए महसूस कीजिए, लगातार मुस्कान होठों पर, सुबह की सुंदर अमृत वेला और सामूहिक योग साधना। आ जाएंगे वापस, पांव को सीधा कर दें, विश्राम। पद्मासन लगाएंगे जी, पहले दाईं टांग को मोड़ेंगे फिर बाईं टांग को मोड़ेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सभी अब आंखें बंद कर लीजिए, श्वासों पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। मुस्कुराते हुए जुड़ी आते जाते श्वासों पर, हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति।
इस प्रकार ध्यान लगाने से मन की चंचलता धीरे धीरे कम होने लगती है, योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, सभी संकल्प करेंगे केवल शरीर ही नहीं मन से मस्तिष्क से पूरी तरह से अगला एक घंटा केंद्र पर रहेंगे, हर क्रिया अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, बंद आँखों में करेंगे। आइए प्रभु के दिव्य नाम का एक साथ मिलकर उच्चारण करें, दौर एक के अनुपात में एक दूसरे की आवाज़ से आवाज़ मिलाएंगे और सभी अपने जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं परिवार के साथ करेंगे, भरेंगे श्वास। सवितुर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोल दीजिए, थोड़ा विश्राम ले लीजिए, बिल्कुल सामान्य हो जाइए। शुक्रवार को हम थोड़ा ज़्यादा आसन करवाते हैं, विश्राम कम देते हैं, तो विश्राम देंगे लेकिन थोड़ा कम देंगे आपको, लेकिन अपनी क्षमता को आपने ध्यान में रखना है, नए साधक ज़बरदस्ती ना करें। तो आइए आज की हमारी शुक्रवार वीकली एफिशिएंसी क्लास स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम करेंगे कौन आसन, कौन आसन के लिए दोनों हाथ पीछे रखेंगे, पांचों उंगलियां मिलाएंगे, पंजों को सामने की ओर तानकर, एड़ियों पर हथेलियों पर वजन डालकर धीरे धीरे अपने शरीर को मध्य भाग को ऊपर उठाएंगे और कोशिश करेंगे अपने पंजों को आसन से टच करने की। बहुत बढ़िया जी, कंधे मजबूत बनते हैं, गर्दन अपनी सुविधा के हिसाब से पीछे कर सकते हैं जी, वेरी गुड बेटा सिमरन, सभी का बड़ा अच्छा प्रयास, करिए करिए करिए, बहुत सुंदर स्थिति, फायदा रुकने से ही होना है जी, सर्वाइकल के लिए तो रामबाण। चेहरे पर प्रसन्नता, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से। यहीं से हम करेंगे कमर चक्र आसन, दोनों पांव को अधिक से अधिक खोलिए, दोनों हाथ अपने कंधे की सीध में लेकर आए, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, पंजे तने हुए, पूरी क्रिया के दौरान हाथ का जो गैप है, हथेलियों का गैप इतना ही रहेगा,
सहायक क्रिया मुस्कुराते हुए राइट साइड में घूमिए, गैप को ज़्यादा मत कीजिए जी, कोहनी को मत मोड़िए, पंजे को तान के रखिए, वेरी गुड। आएंगे मध्य में, बाईं ओर, लेफ्ट साइड में, दाईं ओर, बहुत बढ़िया जी, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, सामने लेकर आइए, दोनों हाथ नीचे, थोड़ा हाथों का स्टैंड बना लें, विश्राम। इसी अवस्था में पंजों को थोड़ा रिलैक्स कर दें, पांव का गैप इतना ही बना रहे, सामान्य श्वास, बहुत अच्छे से आपके कंधे प्रभाव में आए। अब आइए कमर चक्रासन की पूर्ण क्रिया करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे, दोनों हाथ घुटनों के पास, और अब आपकी बार श्वास भरें, पहले श्वास छोड़ते हुए दाईं भुजा बाएं पंजे से आगे लेकर जाएं, बाईं भुजा पीछे और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, बहुत ज़्यादा जल्दी ना करें, पंजों को तान कर करें, जब आगे झुकें पेट को सिकोड़ें, श्वास को छोड़ें, श्वास के साथ जोड़िए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करिए 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 जी, लीवर के ऊपर, पैनक्रियाज के ऊपर, पेट के सभी अंगों पर बहुत अच्छा प्रभाव। करेंगे जी करेंगे, फायदा करने से ही होगा, श्वास के साथ जोड़िए जी क्रिया को, एड़ी लगातार खड़ी हुई, पंजे लगातार तने हुए, आवृत्ति को पूरा करके आएंगे वापस, पांव में दूरी कम, अब एक विश्रामदायक आसन, गोमुख आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं टांग को मोड़कर बाईं टांग के नीचे से लेकर एड़ी के ऊपर बैठ जाएं और बाईं टांग को ऊपर से लाकर बगल में लिटा लें, बाईं भुजा कंधे के ऊपर से, दाईं भुजा साइड से, दोनों हाथों को आपस में स्पर्श करें, जिन साधक साधिकाओं की उंगलियां आपस में क्लैंप हो जाए अति उत्तम, गर्दन लेकिन सीधी, श्वासों को गहराएं, वेरी गुड। ये देखिए जी कितनी जल्दी से सभी की कितनी बढ़िया स्थिति बन गई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार प्रदर्शन सभी का। जो साथी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, अगर संभव हो वीकेंड पे हमारे साथ क्लास में जुड़ना चाहें वेस्ट एनक्लेव, तो यहाँ पर सभी का स्वागत है। ये देखिए सिमरन पीछे उंगलियों को आपस में क्लैंप किया हुआ है जी, गर्दन बिल्कुल सीधी है, बहुत बढ़िया, प्रयास महत्वपूर्ण, मुस्कुराकर रुकें, अब बंद आंखों में रुकें, धीरे धीरे आएंगे वापस, पांव की पोजीशन को चेंज करेंगे, बाईं टांग को मोड़कर एड़ी के ऊपर बैठ जाइए, दाईं टांग को बगल में लाकर दाईं भुजा को ऊपर से लेकर जाएं, बाईं भुजा बगल से, पुनः एक बार श्वासों को गहराएं, सहज होकर बैठ जाएं, कोहनी का प्रेशर लगातार पीछे की ओर हो, जो ऊपर कोहनी मुड़ी हुई है वो आगे की ओर लटके नहीं जी, ऐसा प्रयास करना है। थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं, हल्का सा प्रयास और करते हैं और स्थिति हमारी बढ़िया बन जाती है, चेहरे पर जरा सी भी सिकन ना आए, अगर तनाव लगे, थकान लगे, बेचैनी लगे, बीच में वापस आ जाएं, जितना करें खुश होकर करें, बहुत बढ़िया जी। नरेंद्र जी देखिए कितने बढ़िया से, कितनी सहजता से,
बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। बाबू राम जी भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, पांव को सीधा कर दीजिए, तनिक सा विश्राम ले लें और अब हम करेंगे बैलेंस बनाने वाली एक्टिविटी। जल्दी से अपने पंजों के ऊपर बैठ जाएंगे, ज़बरदस्ती कोई ना करे जी, और दोनों हाथ ले लें प्रणाम मुद्रा में, कमर को कर लें सीधा, आँख खोलकर अथवा आँख बंद करके मुस्कुराकर सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर लें। वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों को घर पर सिखाइए इस क्रिया को, रोकिए उनको, ब्लड का सर्कुलेशन कितना बढ़िया बनता हुआ, अपने शरीर पर नियंत्रण आता हुआ, पूरे शरीर का वजन केवल और केवल पंजों के ऊपर। वेरी गुड जी, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे, आराम आराम से दोनों हाथ नीचे, और यहीं पर हल्की हल्की जॉगिंग करना प्रारंभ कर दें। धीरे धीरे चलाइए, चलाइए जी, हाथों को भी चलाइए, थोड़ा पाँव को भी चलाइए, और खुश होकर मौसम का आनंद लीजिए। कितने भाग्यशाली हम सब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो साथी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो भी जी करिए, सब लोग बिना समय गवाएं करते जाइए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद। वृक्षासन जबरदस्ती नहीं करेंगे, जिनसे वृक्षासन ना हो वो ताड़ासन करेंगे जी। मन बनाएंगे, दोनों पाँव में 2 इंच का फासला, दाईं टांग को मोड़कर बाईं जंघा मूल पर लगा दें पंजे को, एड़ी को। पहले बैलेंस बनाएंगे और फिर साइड से दोनों भुजाओं को ले चलेंगे आकाश की ओर। वेरी गुड जी, दोनों हथेलियाँ प्रणाम मुद्रा में आ जाएं, कलाई के निकट से हथेलियों में गैप ना बने जी, खुले नहीं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है जी, कितना बढ़िया। देखिए सभी साधक साधिकाओं का कितना अच्छा प्रयास, वेरी गुड जी, बहुत ही बढ़िया। मोना जी, रीना जी धीरे धीरे आएंगे वापस, सामान्य श्वास, थोड़ा सहज हो जाइए, और मन बनाएंगे इसी क्रिया को दूसरी ओर से करने का। बाईं टांग को मोड़िए, लगाएंगे जंघा मूल पर, बैलेंस बन जाए उसके बाद दोनों भुजाओं को तानते हुए बगल से लेकर जाएंगे आकाश की ओर। जबरदस्ती कोई ना करे जी, नए साधक दीवार के पास खड़े होकर करें। बहुत बढ़िया जी, देखिए ये हमारे जितने भी साधक साधिकाएं आए हुए हैं सभी लगातार जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं और कई सालों से जुड़े हुए हैं। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया, मुस्कान सभी के चेहरे पर। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से साइड से दोनों पहले पांव भी फिर नीचे ले लें, रिलैक्स, थोड़ा अपने हाथों को झटकिए और थोड़ा पांव को भी हल्का हल्का विश्राम दे दीजिए। करेंगे, करेंगे जी, करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड।
पांच बार उठक बैठक के लिए सभी तैयार हो जाएं। शुरू करेंगे, एक वापिस, दो वापिस, तीन वापिस, चार वापिस, पांच रुकेंगे अब की बार वापिस, दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स, सूर्य नमस्कार करेंगे, श्रीमान नरेंद्र जी कराएंगे सूर्य नमस्कार। आसन के अगले हिस्से पर आ जाइए, जबरदस्ती कोई नहीं करेंगे, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ लगे हुए, उंगलियां मिली हुई, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी। आएंगे पहली स्थिति नमस्कार मुद्रा में, कलाइयों से लेकर कोहनी तक भाग बिल्कुल जमीन के समानांतर, कंधे हमारे न खिंचे हुए न ज़्यादा ढीले, स्वाभाविक। करेंगे सबसे पहले सूर्य देव का आह्वान मित्र के रूप में, ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए सामने से हाथों को तानते हुए ले जाए आसमान की ओर, खींचे अधिक से अधिक, बुझाएं हमारी कानों के साथ लॉक हो जाएं, कंधे सहित गर्दन का दबाव थोड़ा सा और पीछे बनाएं, उंगलियां मिली हुई, श्वास भरें एक बार और खींचें ऊपर से ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए कटी भाग से धीमे धीमे आएंगे आगे झुकते जाएं, घुटने हमारे बिल्कुल सीधे पीछे की ओर खिंचे हुए, उंगलियां आधी हथेली पूरी हथेली आसन पर लगाने का प्रयास, माथा घुटने के नज़दीक से नज़दीक, बीस उंगलियां एक समान, अब श्वास भरते हुए दाएं पैर को ले जाए पीछे से पीछे, कमर नीचे से नीचे, सीना सामने की ओर, माथा आसमान की ओर, दूसरी पैर को भी ले जाके मिला दें एड़ी से एड़ी, पंजे से पंजा, और थोड़ा भार डालें पीछे की ओर, एड़ी को लगाएं आसन पर, ठुड्डी को लगाएं कंठकूप में, पर्वताकार की स्थिति, सभी साधकों की एड़ी आसन से लगी हुई, बहुत ही सुंदर स्थिति, कोई हिलडुल भी नहीं हो रही, यहीं से धीमे से आएंगे पैरलर, पूरा शरीर एक सरल रेखा में, हथेलियों पर वजन, पंजों पर वजन आने दें अपने शरीर का, कोहनियां सीधी, घुटने बिल्कुल सीधे, क्रमशः लगाएंगे पहले घुटने, नाभि का संकुचन करते हुए छाती व माथा, अष्टांग प्रणाम, कोहनी हमारी आसमान की ओर तनी रहे, पीछे से एड़ी पंजे मिले रहे,
प्रयास पूर्वक नाभि को आसन से ऊपर रखें। धरती माँ के प्रति दंडवत, सहनशीलता, धैर्य, समर्पण की भावना धरती माँ से मिलती हुई धड़कों से आगे खिसकाते हुए कोहनियों कर देंगे सीधा, आएंगे भुजंगासन में, पीछे से एड़ी पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए, थाई का प्रेशर लगातार आसन की ओर, गर्दन पीछे से पीछे, सर का पिछला भाग प्रयास पूर्वक रीढ़ से लगाएं, माथा आसमान की ओर, श्वास भरते हुए बीच से भी शरीर को उठाएंगे ऊपर से ऊपर, पुनः आएंगे पर्वताकार स्थिति में, ठुड्डी कंठकूप में, एड़ी आसन पर, जो पैर गया था हमारा यानी दायां पैर, दाएं पैर को एक ही बार में लेके आएंगे दोनों हाथों के बीच में, एक बार में ना सके दो बार में तीन बार के खिसका के लाएं, 15 उंगलियां एक समान, कमर नीचे से नीचे, एड़ियों का प्रेशर पीछे की ओर बनाएं ताकि हमारा घुटना सीधा रहे, दूसरे पैर को भी ले आएं, 20 उंगलियां एक समान, दोनों हाथ हमारे पंजे के बाएं दाएं आ जाएं और माथा घुटने के नज़दीक से नज़दीक, विजय सर की 20 उंगलियां माथा घुटने से पूरी तरह लगा हुआ, हम हमेशा कहते हैं माथे को घुटने के नज़दीक से नज़दीक लाएं, लेकिन विजय सर की पूरा माथा घुटने के नज़दीक लग जाता है, घुटने से लग जाता है, श्वास भरते हुए कमर से करेंगे सीधा, हाथ कान से लगे रहेंगे, खींचे ऊपर से ऊपर, पुनः बनाएं गर्दन सहित, कंधे का दबाव थोड़ा पीछे बनाएं, थोड़ा कमर से भी झुकें, धीमे से आएंगे प्रणायाम मुद्रा में, सूर्य देव का धन्यवाद देते हुए हाथ नीचे अपने आसन पर बैठ जाएं और वज्रासन में करें विश्राम। धन्यवाद। वज्रासन में बैठ जाएं। जिनको ज़्यादा थकान लगे वो लोग लेट सकते हैं। आज हम लगातार आसन कर रहे हैं, थोड़ा विश्राम कम दे रहे हैं। वज्रासन में बैठकर सामान्य कर लें अपने आप को, आँखें कोमलता से बंद। बहुत ही बढ़िया सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाया गया, शरीर के प्रत्येक अंग को हमने प्रभावित किया। वज्रासन में बैठकर आइए
विश्राम भी हो जाएगा। गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं करें, अपने हाथ की पोजीशन अपनी सुविधा के हिसाब से गर्दन को सीधा करें, कमर को सीधा करें, श्वास भरें मुस्कुराते हुए, ठुड्डी कंठकूप में श्वास छोड़ते हुए, केवल गर्दन की मूवमेंट हो जी, बाकी शरीर बिल्कुल भी ना हिले। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे से पीछे, श्वास छोड़ते हुए पुनः कंठकूप में, श्वास भरते हुए पुनः पीछे की ओर, मध्य में आएंगे, गर्दन को लेकर चलें राइट साइड में, ठुड्डी को लेकर चलें दाएं कंधे की ओर, मुस्कुराते हुए मध्य में आए, बाईं ओर लेकर चलें लेफ्ट साइड में, किसी भी गर्दन की क्रिया में झटका ना दें, बहुत सहजता से करें। मध्य में आएंगे, पुनः एक बार आवृत्ति दोहराएं राइट साइड में, लगातार हल्की हल्की मुस्कान बनी रहे। आएंगे मध्य में, बाईं ओर मध्य में आएंगे, क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे धीरे धीरे, पहले ठुड्डी कंठकूप में, फिर धीरे धीरे अपने गर्दन को राइट साइड में लेकर जाएंगे, फिर धीरे धीरे पीछे की ओर, बगल से फिर साइड में लेकर आएंगे, और फिर आएगी फिर से कंठकूप में। इसी प्रकार एक सर्कल बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, गति धीमी हो जी, घेरा बड़ा हो स्पीड कम हो, आवृत्ति को पूरा करके आ जाएंगे वापस विश्राम, सामान्य श्वास। वज्रासन के दो आसन सिमरन बेटी कराएगी, उष्टासन और फिर शशंक आसन भाग टू। वज्रासन में ज्यादा से ज्यादा बैठा कीजिए, करेंगे उष्टासन, अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं, घुटनों में कंधे समान फासला, दोनों हाथों को रखेंगे रीढ़ पर, अंगूठा रीढ़ पर, चारों उंगलियां मिली हुई आगे की ओर, श्वास भरे, श्वास भरते हुए रीढ़ को दबाते हुए अपने अंगूठों से जाएंगे पीछे, जिन साधकों की कमर धोरी हो जाए वह अपने हाथ हटा के अपने पंजों पर रख ले, उष्टासन करने से हमारे पुराने से पुराना कमर दर्द ठीक होता है, कमर लचीली बनती है। कुछ क्षण रुकने का प्रयास करें, आएंगे धीरे धीरे वापस, बहुत सहजता से वापस आएंगे, पहले दोनों हाथ कमर पर रखें और धीरे धीरे आएंगे वापस। अब करेंगे इसी का विपरीत आसन,
दोनों घुटनों को आगे से खोल दें, हथेलियों को आसन पर जमाएं और धीरे धीरे सरकाते हुए हथेलियों को लाएंगे आगे। ठोड़ी को लगा दें अपने आसन पर। बहुत अच्छा प्रयास सभी का। देखिए सभी की ठोड़ी लग गई है। बंद आंखों में महसूस करें आए हुए प्रभाव पर, अपनी रीढ़ को लचीला बनते हुए धीरे धीरे जिस प्रकार सरकाते हुए अपनी हथेलियों को लेके गए थे उसी प्रकार वापस आए। घुटनों को आगे से मिला लें, वज्रासन में विश्राम। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सिमरन, बहुत ही बढ़िया। वज्रासन के हमने दो आसन किए, कमर के लिए, पेट के लिए बहुत ही उत्तम है और वज्रासन का लाभ भी ले रहे हैं। यहीं से आ जाएंगे हम पेट के बल, श्रीमान राजेश जी कराएंगे सर्पासन और फिर उसके बाद धनुरासन। सभी अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। अब हम करने जा रहे हैं सर्पासन। अपने माथे को या ठोड़ी को आसन पर लगा लें, पैरों को बिल्कुल पीछे सीधा कर लें, दोनों पंजों को मिला के रखें, दोनों हाथों को लेके जाएंगे पीछे, क्लंप कर लें आपस में और ज़्यादा से ज़्यादा बाजू को तान दें पीछे की ओर। आगे से उठाएंगे अपने धड़ को और पीछे से उठाएंगे पैर को, पूरा भार हमारा पेड़ पर, और दाएं बाएं डोलन शुरू करेंगे सांस भरकर। सांस भरे की क्रिया है ये। अगर सांस लेने का मन करे तो मध्य में रुककर, ये साइड में रुक करके सांस लें। थोड़ी देर जब हम मध्य में आते हैं तो थोड़ी देर के लिए रुकें, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। पंजों को तान के रखें, प्रयास करें कि हमारी थाइज भी उठ जाएं, पूरा भार पेड़ ऊपर। इससे बहुत ही जल्दी हमारा मोटापा कम होता हुआ, पेट की सारी गंदी गैसें अपना स्थान छोड़ती हुई। आएंगे मध्य में शिथिलासन बाईं ओर। शिथिलासन बाईं ओर करने से हमारा लो बीपी प्रभाव में रहता है। पूरे शरीर को नॉर्मल कर दें। अब हम करेंगे धनुरासन, उन्हें पेट के बल आ जाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पैरों को मोड़ेंगे एक साथ, दोनों हाथों से अपने ढकने को पकड़ लें, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों के पीछे से उठाएंगे और सांस भरते हुए आगे से धड़ को भी उठा दें और पैरों को दूर से दूर ले जाने का प्रयास करें, पूरा भार पेड़ पर, धनुर की भांति तान दें अपने पूरे शरीर को।
बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। थोड़ा सा रुकने का प्रयास अवश्य करें, पूर्ण स्थिति में पहुंचकर प्रयास करें कि हमारे घुटने मिले रहें और पैरों को ज्यादा से ज्यादा पीछे ले जाने का प्रयास। सभी की बहुत ही सुंदर स्थिति, धीरे धीरे दोनों हाथों को छोड़ दें पहले, फिर पैरों को सीधा कर लें। यहीं से दाईं ओर करवट लेकर के आ जाएं पीठ के बल। धन्यवाद जी राजेश जी, पेट के दोनों आसन जो हमने किए इससे मोटापा बड़ी जल्दी कम होता है। नए साधक लगातार जुड़ेंगे, सारे आसन उनके लिए भी सुगम हो जाएंगे। विपरीत करने क्रिया करेंगे जी, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, इससे कमर के ऊपर पेट के ऊपर बड़ा अच्छा असर आएगा। मुस्कुराते हुए आएंगे चेतन अवस्था, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, पांचों उंगलियां मिली हुई, दोनों पांव को पंजों को तानकर दोनों एड़ियों को ले चलें 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर लेकर जाएं, रुकें, पांच की काउंटिंग, एक दो तीन चार पांच, अब 60 डिग्री पर लेकर जाएंगे, पुनः रुकेंगे, पहले बैलेंस बनाएंगे, पांच की काउंटिंग, एक दो तीन चार पांच, 90 डिग्री पर लेकर जाएंगे, पहले बैलेंस बनाएंगे, पंजे को तानेंगे और फिर से पांच की काउंटिंग, एक दो तीन चार पांच। अब 120 डिग्री पर आएंगे जी, हथेली से सहारा दे दीजिए अपने हिप्स के नीचे, कमर के नीचे, 120 डिग्री पर आकर पुनः रुकेंगे एक बार, अन्यथा 90 पर ही रुकें, फिर से पांच की काउंटिंग, एक दो तीन चार पांच, फिर से 90 पर आएंगे, पुनः पांच की काउंटिंग, रुकिए रुकिए रुकिए, एक दो तीन चार पांच, 60 डिग्री, रुकिए 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 जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग, एक दो तीन चार पांच, 30 डिग्री अंतिम पड़ाव है जी, रुकिए रुकिए, बहुत अच्छा, एक दो तीन चार पांच, धीरे धीरे बिल्कुल आराम से, पटकेंगे नहीं जी, आराम से वापस आ जाएं, दोनों पांव को खोल दें, रिलैक्स, नाभि के ऊपर आए हुए सुंदर प्रभाव को देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, सभी ने प्रयास किया, सभी की स्थिति बहुत ही बढ़िया थी। अपने दोनों पांव को एक साथ मोड़कर हिप्स के निकट लेकर आइए, पंजों को अपने जो हाथ हैं वो एड़ी के पास लेकर जाइए, हथेलियां
पकड़ने की जरूरत नहीं है, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर ही रहे। और अब अपने मध्य भाग को, हिप्स को और कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, जैसे सेतुबंध आसन करते हैं वैसे उठाइए धीरे धीरे। प्रारंभिक स्थिति बन गई सबकी, शब्दों पर चलेंगे जी। अब जो आगे की क्रिया कर पाए वही करेंगे। अब श्वास भरते हुए राइट पांव को उठाएंगे और 90 डिग्री पर लेकर जाएंगे, बायां पांव यहीं पर रहेगा, इसी प्रकार उसका प्रेशर बना रहेगा नीचे। घुटने को सीधा करेंगे जी ऊपर वाले पांव का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पीछे बहुत अच्छा, नीता जी, स्वाति जी, सभी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं जी। रुकिए 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 रुकिए, एक बार पांव को धीरे से वापस लेकर आएंगे, एक बार अपने हिप्स को भी नीचे रख लीजिए, थोड़ा सा पांव की स्थिति यही रहे, हल्का सामान्य हो जाइए। और फिर से मन मनाएंगे, स्थिति लेंगे, धड़ को उठाइए पहले, और अब अपने लेफ्ट पांव को उठाइए 90 डिग्री पर लेकर जाइए। कोशिश कीजिए जी, लगातार कमर भी उठी रहे जी, कमर को नीचे ना आने दें। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी का प्रयास बहुत ही सुंदर। धीरे धीरे पांव को लेकर आएंगे वापस, शरीर को नीचे धीरे से रखें, पांव को सीधा कर दें, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद, मुस्कुराते रहें जी लगातार। अब की बार फिर से एक बार ध्यान को लेकर जाएं अपने शरीर पर। अगली क्रिया पेट को घटाने के लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया है, अपने दोनों पांव को लेकर चलें धीरे धीरे 90 डिग्री पर, और दोनों पांव को थोड़ा मोड़कर जैसे साइकिल चलाते हैं ऐसे हाथ भी उठा दें, कंधे भी उठा दें, जैसे बच्चा किलकारी मारता है इस प्रकार से हाथों को पांव को चलाएंगे जी। कंधे उठे रहेंगे, कंधे उठाइए, गर्दन उठाइए, करिए करिए करिए, पांव को चलाइए जी, एक बार पांव को सीधा करना है जी, 30 डिग्री 60 डिग्री इस प्रकार से करिए, घुमाइए साइकिल के पैडल की तरह। वेरी गुड, बहुत बढ़िया लग रहा है सभी का। अब रिवर्स करेंगे इसी क्रिया को, कोशिश कीजिए लगातार कंधे हवा में रहें, उठे रहें थोड़े, हाथों को भी चलाना है पांव को भी चलाना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। हर क्रिया के बाद आनंद की अनुभूति हो, सब आसन दोनों पांव में 1 से 1.5 फीट का फासला, हाथ शरीर से थोड़ा हटे हुए, हथेली का रुख आकाश की ओर। थोड़ा थोड़ा विश्राम करते हुए आज हमने बहुत सारे आसन किए, लगातार आसन किए, मुश्किल आसन भी किए, आरामदायक आसन भी किए, अपने आप के ऊपर प्राउड फील कीजिए, अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिए जिनके सुंदर संस्कार हमें सुंदर योग साधना में लेकर आए हैं। पहला सुख निरोगी काया, सबसे बड़ी कमाई अगर हमने अपनी हेल्थ को बरकरार रख लिया
हमारा शरीर लचीला हो, बीमारियों से दूर हो, नींद बढ़िया हो, पाचन बढ़िया हो, और योग से बढ़िया कोई माध्यम नहीं इसके लिए। पक्षियों की मधुर आवाज़, खुले आसमान के नीचे हरी हरी घास पर एक साथ मिलकर सुंदर साधना। सभी संकल्प करेंगे इसी प्रकार हम दिन की शुरुआत सदैव योग से करेंगे, संभव होगा तो स्नान करके ही जुड़ेंगे। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ मुस्कुराते हुए आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं, अपने राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। स्वाति जी आज हमारे साथ देखी आई हैं, और जब भी कोई नई साधिका हमारे पास साथ जुड़ती है वो हंसी कराती हैं जी। आइए जी स्वाति जी, बहुत ही रेगुलर हमारी साधिका हैं, बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं, हर क्रिया बहुत ही खुश होकर मन से। रोकना भी आपने है, शुरू भी आपने कराना है। और आप भी हमारे साथ इसी प्रकार प्रतिदिन आते रहें, जुड़ते रहें। चलिए जी, सुंदर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे अब। स्थूल शरीर को हमने प्रभावित किया, जब हम आसन कर लेते हैं उसके बाद प्राणायाम करने के हकदार बनते हैं, तो इसलिए आसन करने के बाद ही प्राणायाम करने चाहिए ताकि हमारे शरीर में स्थिरता आ जाए और फिर प्राणायाम का जो पूरा लाभ हम ले पाएं। भस्त्रिका प्राणायाम की क्रिया करेंगे, घुटने मिला लें, वज्रासन में जो बैठना चाहें वज्रासन में बैठें, अन्यथा पद्मासन सुखासन में बैठें, दोनों हाथों को लेकर जाएं ऊपर, 35 से 40 आवृत्तियां करेंगे जी, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर खींचे ऊपर और श्वास छोड़ेंगे और आएंगे नीचे। करते जाएं, करते जाएं। फेफड़े हमारे प्रभाव में आ रहे हैं जी, पूरी श्वसन प्रणाली प्रभाव में आ रही है, चेहरे पर प्रसन्नता लगातार। आवृत्ति को पूरा करके आ जाएंगे वापस
आंखें नहीं खोलेंगे, सामान्य श्वास। आज हमारी 360 क्लास 360th क्लास चल रही है जी। बुधवार को 365 क्लास पूरी होंगी और थर्सडे को 25 तारीख को हमारा एक साल कंप्लीट होने के बाद अगला दिन, जैसे 25 को हमने साधना स्टार्ट की थी, लॉकडाउन जिस दिन पहला दिन था, आप सबके सहयोग से देखिए कहाँ तक हम पहुँच गए। जो साधक साधिकाएं हमारे साथ उस दिन यहाँ पर जुड़ना चाहें उनका स्वागत है, अन्यथा ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे और हम तो पूरे परिवार के साथ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। शीतली प्राणायाम करेंगे जी, शीतली प्राणायाम, ठंडक देने वाला प्राणायाम। शब्दों पर ध्यान देंगे, जीवा को बाहर निकालेंगे, अपनी सुविधाजनक स्थिति में बैठेंगे, वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, और जीवा को बाहर निकालकर उसकी नलिका बना लेंगे और इस नलिका द्वारा धीरे धीरे श्वास को भरेंगे। जब श्वास भर जाएगा, जीवा अंदर, होठ बंद, मूल बंद लगाकर श्वास को रोक लेंगे। जब नहीं रुका जाएगा तो नासिका द्वारा धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए जरूर देखें। अपनी जीवा को बाहर निकालकर थोड़ा उसको मोड़कर नलिका बनाएं, पाइप सा बनाएं, और उसके मध्य से धीरे धीरे श्वास को भरना है आपने। भरने के उपरांत रुकना है आंतरिक कुंभक में और उसके बाद नासिका द्वारा बिना आवाज किए श्वास को बाहर निकालना है। इस प्राणायाम का नाम है शीतली प्राणायाम। जैसे कि नाम से आपको महसूस हो रहा होगा, शीतलता देने वाला, तनाव को दूर करने वाला, बहुत ही सहज प्राणायाम। करते जाएं, मुस्कुराते जाएं। कमर को सीधा रखकर करेंगे जी। एक अंतिम आवृत्ति और कीजिए। आवृत्ति के पूर्ण हो जाने पर सामान्य श्वास। पीछे कमर को सीधा करेंगे जी सभी साधिकाएं। जब भी ध्यान आए कमर को बिल्कुल सीधा रखना है जी। कमर सीधी होगी, जो प्राण शक्ति का हम सर्जन कर रहे हैं वो सभी चक्रों को बड़ी सहजता से मिलेगी।
इसी शीतली प्राणायाम का एक दूसरा पार्ट होता है शीतकारी प्राणायाम, जो दांतों के लिए बढ़िया होता है। 3 आवृत्तियां उसकी भी करेंगे। दांतों को भींच के, जबड़ों को भींचकर शक्ति लगाकर श्वास को खींचिए, मुंह से रोक लीजिए श्वास को, आंतरिक कुंभक में होठ बंद। जब ना रुका जाए पुनः नासिका द्वारा बिना आवाज किए श्वास को बाहर करें। दोहराएं जी, शीतकारी प्राणायाम से दांतों की बीमारियां खत्म होती हैं, पायरिया का रोग ठीक होता है, ताजगी महसूस होती है आपको। एक अंतिम आवृत्ति और करेंगे। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत। प्रभाव के साथ जुड़िए, लगातार मुस्कुराइए। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, 5 आवृत्तियां करेंगे जी। आगे की दोनों उंगलियां कोमलता से आंखों पर रखें, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर, और जो ध्वनि करेंगे, गुंजन करेंगे, उसकी आवाज बाहर कम आए, माइंड को ज्यादा वाइब्रेट करे जी। शुरू करेंगे कानों को बंद करके। आवृत्ति को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापस। आंखें ना खोलें, बिल्कुल सहज होकर सामान्य श्वास। लगातार प्रसन्नता, बार बार अपने भाग्य को सराहिए, बार बार प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रकट कीजिए। ग्यारह बार ओम की लघु ध्वनियां सभी मिलकर करेंगे, एक आवाज में करेंगे। भरेंगे श्वास,
शांत, शांत भाव से बैठ, कुछ पल के लिए इसी प्रकार ईश्वर की सुंदर अनुभूतियों में खोए रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें। एक ही प्रार्थना, इसी प्रकार प्रभु का आशीर्वाद मिले, इसी प्रकार प्रभु हमें इस योग मार्ग पर हमेशा चलाते रहें, हमारी साधना इतनी बढ़िया हो, इतनी उत्तम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरणा लें और योग से जुड़ जाएं। बार बार प्रभु के चरणों में यही विनती हो। प्रभु को अपने हृदय में धारण करेंगे और मुस्कुराते हुए आइए आज की कक्षा को विराम दें। एक लंबी ओम ध्वनि, श्वास भरिए। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ॐ शांति शांति शांति। बंद आंखों में दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, योगिक ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे और उत्पन्न हुई इस सुंदर ऊर्जा को अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण कीजिए। मुस्कुराते हुए नेत्रों को खोलिए, आज की सुंदर कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सभी ऑनलाइन और यहाँ पर जुड़े हुए साधक साधिकाओं का कोटि कोटि आभार, मोना जी का, रीना जी का विशेष आभार। इतनी सुंदर साधना हम सबको करके दिखाई, आज स्वाति जी हमारे साथ जुड़ी, बाबू राम जी हमारे साथ जुड़े, तो इसी प्रकार प्रतिदिन आएँ। और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।